देवी अहिल्या बाई की नगरी में हैं हम, तो सब कुछ एकदम अच्छा ही होने वाला है, एकदम पवित्र। क्या स्थान है, वाह वाह। हैशटैग इंदौर। बम्बा मैंने चलते रहिए हमारे साथ, आनंद लीजिए हमारे इस दर्शन का। इंदौर आप बहुत ही अमेजिंग लग रहे हो मुझे, आई एम सुपर एक्साइटेड। एंड हमारा स्वागत ही हो रहा है ओंकारेश्वर श्री। बम बम बोले। This inside the plane for us, and it's not nice, for us, for Gaurav. It's a very sweet gesture on their behalf. और अब हम एयरब्रिज से इंदौर पहुंच गए हैं। I mean हम इंदौर पहुंच गए हैं और हम एयरब्रिज से जा रहे हैं हमारे लगेज को कलेक्ट करने की ओर, जो कुछ हमें कलेक्ट करना नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी लगेज लिया नहीं है, हम सब कैरी कर रहे हैं। इंदौर के एयरपोर्ट में आप सबका स्वागत है। You are also there. I'm also there. हम दोनों के लिए, मुझे लगा सिर्फ गौरव के लिए। So finally we are at the airport. And Gaurav Khanna, this is the second time. इंदौर, आपने ऑलरेडी मेरे दिल में इतनी बड़ी जगह बना ली है, क्योंकि मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन रही हैं देवी अहिल्या बाई होलकर, और बहुत से लोगों को पता भी होगा इनके बारे में एंड बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। मुझे सच में नहीं पता था कि इंदौर शहर, यहाँ पे आने से पहले मैंने कोई रिसर्च नहीं की थी, बट आई एम ग्लैड मैंने नहीं की थी, बिकॉज़ मुझे ये जो प्लेजेंट सरप्राइज़ अभी मिला है और जो खुशी हो रही है कि आपने एक एंटायर सिटी हमारी देवी के लिए डेडिकेट करके रखा है, और एयरपोर्ट पे ये इतना प्यारा सा आपने इनको जो दर्जा दिया है, जो इनके प्यारे से स्टैचूज़ बनाए हैं, जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इट इज़ कमेंडेबल। एंड टू एवरीवन हु इज़ वॉचिंग माय व्लॉग, आपको ये पता होना चाहिए कि देवी अहिल्या बाई हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पायनियर्स एंड द बिल्डर ऑफ हिंदू टेम्पल्स, मोर देन 100 हिंदू टेम्पल्स अक्रॉस इंडिया। हमारे जितने भी ज्योतिर्लिंगा है, हमारे धर्मशालाज है, हमारे आश्रम्स है, हमारे मठ है, मैक्सिमम जगह पर देवी अहिल्या बाई होलकर का योगदान रहा है। वो ना ही सिर्फ मतलब यहाँ की रानी रह चुकी हैं, शी वॉज ऑल्सो मिलिट्री ट्रेंड, शी वॉज केपेबल टू रन सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, शी वॉज लेजेंड इन रियल फ्लैश। एंड इनके जैसी औरतें हमारे देश की शान है, एंड मैं चाहती हूँ कि आप और भी ज़्यादा इनके बारे में जानें। एंड इंदौर प्यार हो गया मुझे आपसे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। थैंक यू। अभी हम एयरपोर्ट से जल्दी जल्दी ओंकारेश्वर मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जस्ट अभी गौरव ने मुझे बताया कि मंदिर के द्वार 11 बजे बंद हो जाते हैं, अभी कुछ 8:30 बज रहे हैं, हमें पहुंचने में 2.5 घंटा लगने वाला है। 2.5 घंटे, वाओ, या 2.5 घंटे। एंड अभी पता चला कि इंदौर 11:30 बजे द्वार वहाँ के लंच के लिए शायद, फिर 1 बजे खोलते हैं। पर हो जाएगा, बाबा ने बुलाया है, सब हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, समझे, तुम अपना एंजॉय करो जब तक तुम्हारा पति है। इंदौर बहुत सुंदर हो यार, सच में आपको जो अवार्ड्स मिले हैं ऐसे ही नहीं है। अभी एयरपोर्ट से बाहर आई हो, शहर देख लो और अच्छा लगेगा। शहर बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है।
ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड मैं इंदौर का फेमस पोहा खाने वाली हूँ. मैंने जूस भी ऑर्डर किया है एंड क्योंकि मेरे को ढोकला बहुत पसंद है तो हम ढोकला भी खाने वाले हैं. सो मॉर्निंग इन इंदौर यूटी म्यूजिक. सो आई एम बैक विद ऑर्डर माई अनार्जुन. तो आई थिंक इस दुकान के जो स्टाफ है वो मुझे देखकर हंस रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है ये सुबह सुबह कौन जोकर आ गया यहाँ पे एंड मैं जूस गिरा रही हूँ. तो ये मेरा अनार जूस है. जलेबी है, ढोकला है. क्या क्या ऑर्डर किया है आपने? हाँ जी, हाँ यही खाना. क्या क्या ऑर्डर किया है? आई थिंक इंदौरी पोहा, जलेबी और खमन ढोकला. एंड लीची मिल्कशेक कौन पीता है? वो उधर देना है. अच्छा, हाँ 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 हाँ. अनार जूस उधर. अनार जूस तो मैं पी रही हूँ. हाँ, तो ये है. बीवी को भूख लग रही है बहुत ज्यादा, अभी सफर शुरू हुआ नहीं है. मैं भी सच बोल दो, मैंने कुछ नहीं बोला है. आपको भूख लग रही थी, सच बोलो. तो लगेगी ना, सुबह 2 बजे के निकले हुए हैं यार. हाँ जी, सोचा था बॉम्बे से बाहर आके थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बीवी काम ही कर रहा है. Sleeping now. I'm sleeping. I am trying to sleep, but lady will not let me sleep. मैं रात भर सोया नहीं हूँ. उसके पहले भी मैं पूरा मेरा साथ की शिफ्ट थी 2 दिन एंड वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं आकांक्षा को यहाँ ला सकूँ और मेरी छुट्टी कैंसिल ना हो. सो या आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच अप ऑन माय रेस्टिंग टाइम व्हिच आई वोंट आई एम श्योर बिकॉज़ आकांक्षा इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी सो कुछ ना कुछ करती रहेगी बट जितना भी टाइम मिले तब तक. Thank you. Maybe the pleasure is all mine. That I know. The pleasure is only all yours. I know. And the hustle is totally all mine. You have to hustle for everything and I reap all the benefits. झूला पुल बोलते हैं. झूला पुल बोलते हैं इसे एंड आप देख सकते हो नर्मदा नदी बह रही है यहाँ पे. नर्मदे हर मैंने गुजरात में सीखा था. यहाँ पे क्या बोलते हैं? नर्मदे हर. नर्मदे हर. अब वो देखो छत पे बकरियां बैठी हुई दिखेंगी आपको. आपको दिख रही है बकरियां छत पे बैठी हुई? हमने अभी ये वाली पुल से हम चल के आए हैं. नर्मदा नदी बह रही है. आ जा रहे हैं भोलेनाथ जी के पास.
अभी हमारे ओमकारेश्वर के दर्शन हो गए। हमारे साथ पंडित जी भी है, इन्होंने हमारा बहुत ही अच्छा पंचामृत अभिषेक करवाया। बहुत बहुत ही डिवाइन फीलिंग है। और अब हम फिर से इस झूला पुल से वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। हर नर्मदे हर एंड गौरव गेटिंग मॉब्ड एज यूजुअल। आओगे तो दिखोगे, मेरे को आगे जाना पड़ेगा। तो आप लोग विटनेस कर सकते हो गौरव खन्ना को मॉब होते हुए हर जगह पर। बट थोड़ा चेंज, ये पुल खाली मिल गया है तो हम इस नजारे का फायदा उठाते हैं। नर्मदे हर 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 महादेव, हर हर महादेव, नर्मदे हर। गौरव आप तो बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर 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 महादेव। उसका टोन है, ऐसे नहीं बोलते, उसको एक तरीका है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, वेरी गुड, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो झूला पुल का मजा एक मेरे साथ ये बैठा बेबी आओ। अच्छा ठीक है, हम पंडित जी के साथ भी सेल्फी खींच रहे हैं। तो अभी आकांक्षा जी बहुत खुश हैं दर्शन के बाद। आकांक्षा जी जो सबसे बेस्ट करती है वो है फोटो खिंचाती है। चलिए साउंड नहीं आएगी क्योंकि माइक नहीं है। साउंड बहुत अच्छी आएगी क्योंकि मैं बहुत अच्छी एडिटर हूँ। यहाँ की सारी आरती बुक होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। लाइव टेलीकास्ट नहीं तो यहाँ पे सब गुप्त आरती होती है। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? ममलेश्वर जा रहे हैं। ममलेश्वर, ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग के रूप में आता है। ज्योतिर्लिंग के रूप में आता है। ओके, तो हम अभी ओमकारेश्वर से ममलेश्वर मंदिर जा रहे हैं। चल अब हम ममलेश्वर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। एंड इंदौर में इतने मंदिर है, इट्स अ ट्रीट फॉर मी। मतलब मेरे जैसे इंसान के लिए तो भाई ये स्वर्ग है स्वर्ग। इतने मंदिर, मैं वैसे भी मंदिरों के पीछे पागल हूँ। सुनाई दे रहा है? ओके, हर हर महादेव। और मैं फिर से अपने पति को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज उसने मेरा दिल इतना खुश कर दिया है इतने अच्छे दर्शन करवाकर। ओमकारेश्वर में भी जो हमने पंच अमृत अभिषेक किया है उसमें भी बहुत ही अलग सा आनंद मिला है मुझे। और मैंने बहुत अच्छी हिंदी बोली है। थैंक यू। अपलोड करो। ये सब बाबा का आशीर्वाद है। बाबा चाहते थे कि हम लोग आए दर्शन करें और ये सब बाबा की बड़ी दया है। बाबा की बड़ी दया है, भोले बाबा ने मेरे पति को इतना अच्छा काम दिया है, वो इतना सक्सेसफुल हो चुका है। तो मुझे ऐसे लगता है कि दुख में तो यार सभी भगवान को याद करते हैं लेकिन सुख में भी आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, हमेशा हम्बल रहना चाहिए। और इसीलिए जब भी हमें छुट्टी मिलती है या मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है मैं एकदम जल्दी जल्दी मंदिर दर्शन के लिए भाग जाती हूँ। एंड लकीली अभी गौरव को भी छुट्टी मिल रही है तो बस गौरव भी आ रहे हैं मेरे साथ। मैं फिर वही बोलूंगा कि ये सब बाबा का आशीर्वाद है, ये लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्यार है। और ये हमारा एक छोटा सा तरीका है कि जो हम आप लोगों ने इतना प्यार हमें दिया है तो जब हम बाबा को धन्यवाद करने जा रहे हैं तो आप भी हमारे साथ उस यात्रा में उस दर्शन में रहें। इसलिए आकांक्षा की एक सोच थी, इसलिए हम हमारे स्पिरिचुअल ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अक्सर जब हमने देखा है कि जब रिवॉर्ड्स अवार्ड्स मिलते हैं हम लोगों की फील्ड में तो लोग सबको थैंक्स बोलते हैं। लेकिन ये मेरा एक तरीका है, आकांक्षा का एक तरीका है कि जैसे इसने बोला कि जब भगवान का आशीर्वाद इतना है, आपका प्यार है, तो ये वक्त है कि जब हमें भी उनका धन्यवाद करने के लिए उनके पास जाना चाहिए। और यही हमारी सोच है। कई बार नहीं पहुंच पाते काम की व्यवस्था से, पर कोई बात नहीं, जब उसका भी ये होता है कि जब आप फ्री हो आप तब जाएं। आप जैसे आज हमने सोचा है कि अभी हमारे
जो दर्शन है वो ओंकारेश्वर के, मंगलेश्वर के हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं उज्जैन यहाँ से, तो क्योंकि 1.5 दिन ही मिला है मुझे छुट्टी, मुझे वापस पहुँचना है क्योंकि 27 से सुबह से शूट है और आज 25 ऑलरेडी 1 बज चुका है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे उज्जैन एयरपोर्ट से डायरेक्टली इधर आए थे। तो ऐसे ही है कि बस जब निकले हैं इस काम से तो फिर नहीं लौटे। Are you serious? Like, thank you, Gaurav. इतना अच्छा माहौल सेट करने के लिए। बहुत भूख लग रही है मुझे, नहीं आकांक्षा को। मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे लग रही है। मुझे लग रही है, मुझे लग रही है। Not bad. और गौरव करना फिर से। तुम्हें नहीं जाना, मैं रुकूं तुम्हारे लिए कि मैं गाड़ी में जाऊं? फिर से। चलो अब तो गाड़ी में ही जाएंगे, अब मैं नहीं रुकूंगा तेरे लिए। कभी जाना। चलो नहीं जाने दूंगा तेरे को, नहीं जाने दूंगा। लंच भोजनालय में हो रहा है। मैंने ऑर्डर किया दाल खिचड़ी और अब मैं थाली ऑर्डर की है। थाली आ गई लेकिन आकांक्षा का खाना पहले टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता ना, मैं जो मंगाऊंगी उसमें ये चुगेगा नहीं। बहुत अच्छा है, थैंक यू। ये देखिए, ये कहाँ से निकली है? बिल्ली के पास से। बिल्ली दिख रही है? एक बिल्ली उधर भी है। बिल्ली बिल्ली, मैं बिल्ली के पास से निकली हूँ। अच्छा अच्छा। पेड़ पे करके आई हो? कहाँ जा रही हैं अभी आप? अब हम गाड़ी में जा रहे हैं क्योंकि अब हमें पहुँचना है उज्जैन। चलिए मिलते हैं। कहाँ से आ रहे हो आप? सर सर नेशन वॉल्स के लोग कहाँ से आ रहे हो? नेशन वॉल्स के लोग ससुराल से अपने। तुम्हें भी चलना है? वाह 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 वाह, ससुराल से बहुत प्यार है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। ससुराल से तो आ रहा हूँ। आपका बंजाना मैच हो रहा है आपके कुर्ते के साथ। ससुराल गया था ना, तो मैं ससुराल में कभी भी ऐसे नहीं जाता, पता नहीं सास ससुर मिल गए तो। सुंदर चेहरा दिखाओ अपना, मुखड़ा। कोई सुंदर नहीं है, सबको पता क्या है तुम्हारा सुंदर है। चाय पी रहे हैं मेरा पति? चाय चाय पिया जाए, बहुत दिन से, सालों से नहीं पी है, बहुत नींद आ रही है एक्चुअली। लास्ट ट्रिप में चाय पी रहे थे तो सालों से नहीं पी है। I think I should wash my face. बहुत नींद आ रही है, मैं दो रातों से नहीं सोया हूँ। मेरा एक तो ये जल्दी सो जाती है, मैं नहीं सोता जल्दी, मेरे को और सुबह उठना होता है। जल्दी सोती हूँ मैं, जल्दी उठती हूँ ये लेट सोते हैं और फिर सेट की वजह से जल्दी उठ जाते हैं, फिर भी आदतें नहीं सुधारते। मेरे को आदतें मैं सुधार नहीं सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी सो पाओ और जल्दी उठ पाओ, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे, इसलिए सब मैं अपने ऊपर लेके करता हूँ। आपको ऐसा लगता है कोई शादीशुदा लड़की शादी के बाद उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी? अच्छा बोलते हो ना लोगों को, कितनी बड़ी गलतफहमियाँ होती है लाइफ में। हमारी शादी कब हुई?
तुम शादीशुदा वो कहाँ से कहाँ के बॉयफ्रेंड है? मैं तो जानता भी नहीं आप कौन है आप. आपने यही बोला था कि आप गर्लफ्रेंड ही रहेंगे. ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा था. बिहेव लाइक अ वाइफ बिकॉज यू सेड यू डोंट वांट अ वाइफ. शनि नवग्रह मंदिर में अभी मैं हूँ और ये बिल्कुल क्षिप्रा नदी को एकदम पास में छूते हुए है. उज्जैन यहीं से स्टार्ट होता है तो ऑफिशियली हम उज्जैन में पहुंच गए हैं. अब मैं आपको ये नदी का सूरज की किरणें वाह सनकिस सो बहुत ही प्यारा सा मंदिर है. एकदम सेक्लूडेड है, बिल्कुल भीड़ नहीं होती है. ये मस्ट विजिट है अगर आप ओंकारेश्वर आ रहे हैं और महाकाल आ रहे हैं तो प्लीज़ ये मंदिर भी ज़रूर आए. सारे ग्रहों की पूजा यहाँ पे होती है. ओम राहवे नमः. ओम भूमाय नमः. ओम चंद्राय नमः. श्री शुक्राय नमः. श्री बुद्धाय नमः. श्री गुरुवाय नमः. श्री केतवे नमः. और शनि महाराज मतलब एकदम हवन कुंड पे सोए हैं ये भाई साहब. हमारे पशुपतिनाथ काल भैरवनाथ जी. काला कुकुर भी मिल गया हम सबको. जय भोलेनाथ. शिप्रा नदी अति उत्तम. स्क्विरल मतलब राख खा रही है यहाँ पे. वो देखो ये पीछे ये पेड़ देखिए कितना पुराना है. ये क्रैश करेगा हर वीडियो क्रैश करेगा. ये हर वीडियो बॉम्ब करना है. आजा भाई जी आजा. सनकिस्ट कम इट्स लुकिंग सो प्रिटी. वी आर सनकिस्ट. हर हर महादेव. एक्चुअली सी नहीं हम शनि टेम्पल में. सीताराम सीताराम जय बजरंगबली. शनि टेम्पल में अगर आप हैं तो सीताराम सीताराम जय बजरंगबली. सी सो नाइस. मैं हमेशा कहती हूँ मतलब सन से बेटर कोई फिल्टर नहीं है. और जो हमारी इंडियन स्किन टोन होती है वो तो एकदम सोना चांदी चंदन बन जाती है. कैसी लगी आपको हमारी प्यारी सी सुंदर सुंदर त्वचा? क्या राज है इसका मुझसे पूछिए. यस अच्छी लगी. संतूर उसमें तो माँ होती है ना लेकिन ऐड में तो मैं हूँ ना माँ. तो बच्चा कौन है? जगत माँ हूँ मैं.
बच्चा कौन है? सब सारे जितने दुनिया के जितने बच्चे हैं सब मेरे बच्चे। तो आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। मैं 1000 साल की हूँ, फक्त 1000 साल की। ये जो मराठी में आपने बोला है, ये बाकी लोगों को भी आप प्लीज समझा दीजिए, वरना आप जहाँ खड़ी हैं। नहीं, मैंने मराठी में कहा है। फक्त मतलब मराठी में होता है केवल, केवल हिंदी में होता है या मराठी में? हिंदी केवल मतलब सिर्फ, सिर्फ मैंने कहा सिर्फ 1000 साल। टू ऑल माय मराठी पीपल, मराठी मुलगी, मुंबई की मुलगी, एंड लाइव फ्रॉम शिप्रा नदी, मिलते हैं। महाकाल की डगरी में आप सबका स्वागत है। हम उज्जैन में एंटर हो चुके हैं। लुक एट हिम, जय महाकाल, जय महाकाल। इतने क्यूट कैसे लग रहे हो यार, हाउ इज इट माय कैमरा एंगल? आई थिंक ये महाकाल का आशीर्वाद है। अम्बम बोले, क्या ये आपके साथ भी होता है? मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, ये मच्छर मक्खी होते हैं या मकड़ी होते हैं, ये सब ना सीधे मेरे फेस पे ही अटैक करते हैं। देखो इतना बड़ा फोड़ा हो गया, मुझे पता नहीं ये किसने काटा है। गौरव के हिसाब से ये मकड़ी ने काटा है, मुझे लगता है ये किसी मच्छर ने काटा, लेकिन देखो कितना बड़ा हो गया। मतलब अभी काटना था सीधे मुंह पे ही, हर हर टाइम, मूंगी हो या मक्खी हो या मच्छर हो या मकड़ी हो, सबको, सिर्फ हर कीड़ा मकड़ा सिर्फ मेरे शक्ल पे ही अटैक करेगा। मतलब क्या बोलूं मैं, कीड़े मकड़ों को भी मेरी शक्ल एकदम इररेसिस्टिबल लगती है। वाह, फन फैक्ट जस्ट फॉर नॉलेज, मुझे यहाँ आके पता चला है कि जो ममलेश्वर मंदिर है, जो हमारे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगा मंदिर थे या है, थे नहीं सॉरी, जो है वो 5000 years पुराने, मतलब 5500 साल पुराना मंदिर है। 5500, हाँ तो 5500 हो ही हुआ ना। हाँ, सो वो 5500 years पुराना मंदिर है, एंड दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ ज्योतिर्लिंगा, मतलब कितने पुराने मंदिर है। This is so amazing. वहाँ पे पंडित जी ने हमें बताया, तो वहाँ के पंडित ने हमें बताया है, तो क्या बात है, 5000 साल पुराना मंदिर के भी दर्शन कर लिए हमने। श्री चिंतामण गणेश मंदिर, चिंतामण मणि नहीं, और यहाँ के भी दर्शन हमारे हो गए, एंड गौरव अपना मुंह छुपाते हुए, ऐसे काम करते क्यों हो यार कि मुंह छुपा के घूमना पड़े। गणपति बप्पा मोरिया के दर्शन भी हो गए, हनुमान जी के भी हो गए, हनुमान जी के भी हो गए। हर सिद्धि माता के लोकल मार्केट से अभी हम लोग छोटी बड़ी चीजें भी शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत फैसिनेट हो जाती हूँ मार्केट देखकर। आई थिंक इट्स अ गर्ल थिंग, हमारे हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, चूड़ियाँ, ये सारे जो लोकल बाजार की चीजें होती है, ये इतनी प्यारी लगती है देखने में, कांट हेल्प इट, गर्ल थिंग। एंड सॉरी, आई कॉन्ट बी जेंडर बायस्ड, क्योंकि मेरा पति भी उतना ही इंटरेस्टेड है। देखो क्या ले रही हैं आप? मैचिंग बैंगल्स। Yeah, I know.
सही है ना, तो ले लो। Are you bargaining? Yeah. And now for shopping. Is this better? Or is this better? I like this one. ये बहुत पतला है ना? हर सिद्धि माता का मंदिर हमारा लास्ट मंदिर था आज के दिन के लिए। अब हमने होटल रूम में चेक इन कर लिया है। मैं गौरव का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो सारे लगेजेस अब अनलोड करके रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, और गौरव सारे लगेज को अनलोड करके रूम में शिफ्ट करा चुके हैं। बेबी कम हियर, जल्दी आओ। Forward the sunshade in the car. It's okay. As usual. As always, mera bulakkhad pati. Bhooli tu bhi. Kya? Kamini, matlab sara apni galti dusre pe dalna sikho koi isse. Classes bhi leti hai ye is baat ke. Aana chahoge? Join karna chahoge? To aap bas naha dhokar हम डिनर करने जाएंगे। मेरा पेट तो भरा हुआ है, मुझे लगता नहीं मैं कुछ भी ठूस पाऊंगी, लेकिन गौरव को खाना। मुझे भी भूख नहीं है। I also don't feel like having anything. मेरे को बहुत ज़्यादा पेट भरा। सच्ची? Yeah, I also think I'll be eating. Wow. So, गौरव, this is new. गौरव खाने के लिए मना कर रहे हैं और गौरव डिनर नहीं करने वाले हैं। तो आज की ताजा खबर, इंदौर में आकर उज्जैन है महाकाल की नगरी, सब गलत। सॉरी, उज्जैन में आकर महाकाल की नगरी में गौरव खन्ना ने, जिनको खाना इतना पसंद है, मतलब जान से भी ज्यादा अगर किसी को कोई चीज प्यारी है तो वो मेरे पति को खाना है, उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। वाह, मम्मा बोले अभी इतने जल्दी अभी से सुधार रहे हो मेरे पति को, क्या बात है, क्या बात है। अब बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैं नहा धोकर अपने नाइट ड्रेस में चेंज करके सोने की तैयारी में हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, हमें 12:30 उठना है। 2 बजे की हमारी भस्म आरती है महाकाल में, और मैं वो आरती इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि मैंने इतना सुना है। एंड मैं चाहती हूँ कि जब मैं वो आरती में जाऊँ तो मैं बहुत ही फ्रेश रहूँ और मैं वो सारी एनर्जीज, पॉजिटिविटी, जो मतलब भगवान का वहाँ पे जो वास है, वो और भी अच्छे से इम्बाइब कर सकूँ। तो बस अब क्या ही नींद आनी है, सुपर एक्साइटेड हूँ, बट बहुत ज़्यादा थकी हुई भी हूँ। आपको दिख सकता है मेरी आँखें ना के बराबर खुली गई है, तो मेरी आँखों से पानी भी आने लग गया है, बट ठीक है, शुभ रात्रि। मैं तो पता नहीं क्या ही सो पाऊंगी, लेकिन आई होप आपकी रात एकदम शुभ गुजरे। जय महाकाल।